हमारे परिश्रमी किसानों ने विगत 4.5 वर्षों में सरकार की किसान समर्थक नीतियों से सहायता पाकर रिकॉर्ड मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि संबंधी वस्तुओं की गिरती कीमतें और 17-18 से खाद्य भिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की वजह से कृषि से आमदनी कम हो गई। बार बार विभाजन के कारण छोटी और विखंडित जोतों के कारण भी कृषक परिवार की आय में गिरावट आई। इसीलिए देश में भूस्वामी किसान परिवारों को संरक्षित आय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता है, जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि इनपुट खरीदने में और अन्य आवश्यकता पूरी करने में मदद करना। ऐसी सहायता से उन्हें ऋण ग्रस्त होने तथा साहूकारों के समूह से बचाया जा सकता है। हम पहले से भी इनपुट मैनेजमेंट कर रहे थे, आपको ध्यान में होगा, लेकिन फिर भी जो वैश्विक मंदी है, यह हम समर्थन मूल्य की घोषणा किया तो पूरी खरीदारी नहीं होती है, लेकिन हम कोशिश में हैं। तो सारी तमाम योजनाएं हमारी चलती रहेगी, लेकिन फिर भी ये 6,000 रुपए की जो सहायता दे रहे हैं उनकी आमदनी में वृद्धि। अब नहीं, आपका हो गया, अब दूसरा कुछ उत्तर प्रदेश में कितने किसान लाभ होंगे? हाँ, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कितने किसान, देश में जो 12.5 करोड़ के लगभग लघु सीमांत किसान है उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 2,35,00,000 के लगभग लघु सीमांत किसान, यानी देश में यदि 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ। ये सब जो अपोजिशन जो फार्म डिस्ट्रेस का जो बार बार कहता है, उसको कैसे देखेंगे, कैसे क्या जवाब देंगे? फार्म डिस्ट्रेस है, देखो अपोजिशन मतलब देश की वो पार्टी जिस पार्टी ने 48 वर्षों तक एक परिवार से राज करवाया। स्वाभाविक है कि उनकी ओर से जो विषय जो ही आ रहे हैं उसके पीछे कारण बहुत साफ है, क्योंकि देश ने देखा है कि 48 वर्ष के अंदर भी उस परिवार ने और आज भी पूरी पार्टी को और उस परिवार के सशक्तिकरण में लगाया। दिन भर नारे जरूर लगाए देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इन पूरी निष्ठा के साथ वो पूरा परिवार और पूरी पार्टी उस एक परिवार के लोगों को सशक्त बनाने में एनर्जी लगाई, नारे लगाए किसानों के लिए और निष्ठा एक परिवार के मजबूती के लिए। तो उनका स्वाभाविक है, सोच अपने ढंग का होगा। किसानों का मुद्दा है, वो सारी पार्टियों ने किसानों के मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे, जोर शोर से उठाते रहे, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आज के बजट में 6,000 सालाना देने की बात हुई है जो अल्प जोत वाले किसान है, तो क्यों ना ऐसा हो कि किसानों को इतना मजबूत बना दिया जाए कि 6,000 रुपए देने की जरूरत न पड़े। ये ठीक है, यही तो हम 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंदी का दौर, फिर जो हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया बहुत जगह राज्य के माध्यम से करते हैं, तो ये उसको हम ताकत दे रहे हैं। लेकिन असली लक्ष्य हमारा जो हम 5 बरस से उनकी योजनाएं जो आत्म केंद्रित चल रही थी देश में उसको उत्पादन केंद्रित, उसको आय केंद्रित बनाया है और उसमें भारी निवेश किया है। मैंने आपको बताया कि इस बजट को निछोड़ दीजिए तो पिछले UPA ने 1,21,000 करोड़ 5 साल में लगाया था, हमने 2,11,000 करोड़ रुपया निवेश किया है, बजटीय निवेश। उसके अलावे कॉर्पस फंड निर्माण किया है, देश में 99 ऐसी परियोजनाएं थी जो 30 साल से लंबित थी सिंचाई की, जिसमें से 76,00,000 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती थी, उसमें 80,000 करोड़ रुपया का खर्चा था, तो सरकार बनते 40,000 करोड़ रुपया का कॉर्पस फंड बनाया। इससे अलग माइक्रो इरीगेशन के लिए 5,000 करोड़ का हमने बनाया, और मैं चाहूंगा कि और क्या क्या बनाया है पूरा, और आपने भी जो सवाल पूछा सबका उत्तर मेरे पास डिटेल में भी मैं दे दूंगा कि कई कॉर्पस फंड भी हमने बनाया और बजटीय आवंटन भी बढ़ाया उनके सशक्तिकरण के लिए और आय केंद्रित योजना। हमारा लक्ष्य यही है कि उनको सशक्त बनाए। ये मैंने आपको बताया कि उनकी सोच है, जो देखो देखो मैं कह रहा हूँ ये राजनीति में उन लोगों का सोच है जो नारे तो किसान के लिए लगाते रहे लेकिन पूरी निष्ठा से अपने परिवार और वंश को मजबूत बनाने में लगे रहे, लेकिन हमारी सरकार तो 5 बरस से इसी काम में लगी हुई है और परिणाम भी आ रहे हैं और
ये सारे हम निवेश और योजनाएं जो कर रहे हैं, आज आप देखे होंगे सदन में कि दो विरोधी दल के जिस समय हमने घोषणा की हमारे वित्त मंत्री जी ने, तो उड़ीसा और कर्नाटक के जो विरोधी पक्ष के नेता हैं वो खड़ा होकर बधाई दे रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे, खुशी आप देख रहे हैं। एक पार्टी को यदि छोड़ दें राजनीतिक कारणों से, वो सब बहुत उदास थे, लेकिन पूरा सदन उस था जिसमें सब दल के लोग